Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिया डिफेंस पे। मैं हूं अमित कश्यप, आज हूं लेके इस बार का डिफेंस 101 एपिसोड 6। और इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के इंडिजिनस उत्तम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक एरे इसी रडार पे बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं उत्तम इसी रडार की तरफ। उत्तम एक एडवांस एक्टिव फेज्ड एरे APAR सिस्टम है जिसे IAF के तेजस और MK के लिए डेवलप किया जा रहा है और जिसे डेवलप कर रही है इलेक्ट्रॉनिक रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट LRDE। और इसका डेवलपमेंट 2008 में शुरू कर दिया गया था और 2009 के एरो इंडिया शो के दौरान इसे शोकेस किया गया था। उत्तम रडार को इजरायली हाइब्रिड पैसिव इलेक्ट्रॉनिक एरे रडार जो कि एक पीसा रडार है ELM उसका एक सक्सेसर भी बताया जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पीसा और ईसा रडार में क्या डिफरेंस है उस पर एक अलग वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं उत्तम की तरफ। तो उत्तम के पास सलाहियत है दुश्मन और दोस्त में फ़र्क जानने की। उत्तम में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सपोर्ट मेजर्स दिए गए हैं और उत्तम यूज़ करने जा रहा है सी बैंड लाइन ऑफ साइट और इसमें KU बैंड डेटा लिंक का यूज़ किया जाएगा जो कि आजकल सिर्फ अवैक्स सिस्टम्स में ही देखने को मिलते हैं। उत्तम रडार का यूज सरफेस सर्विलेंस और एयर सर्विलेंस के लिए किया जाएगा और ये रडार किसी भी एरिया को स्कैन करने के साथ साथ उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। और इस रडार के पास कुछ और खासियतें हैं जैसे कि प्रायोरिटी ट्रैकिंग और हाई परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। तो जानते हैं इन दोनों का मतलब क्या है। प्रायोरिटी ट्रैकिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट पे ट्रैकर फिक्स कर दिया जाता है। अगर वो ऑब्जेक्ट उस रडार के दिए गए एरिया से बाहर भी चला जाता है तो वो रडार उसको फॉलो करके ट्रैक करता है अपने एरिया से बाहर जाके भी। और हाई परफॉर्मेंस ट्रैकिंग में रडार अपनी जो ट्रैकिंग की एक्यूरेसी है उसे इम्प्रूव करता है, उसे और प्रिसाइज करता है। तो उत्तम अपनी ट्रैकिंग को और प्रिसाइज करने के लिए क्या यूज़ करने वाला है। तो उत्तम अपनी हाई एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए एक्टिव अपेचर टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला है जिसमें तेज रफ्तार की लेजर किरणों को ऑब्जेक्ट पे छोड़ा जाता है जिसकी वजह से ट्रैकिंग प्रिसीजन की वैल्यू बढ़ती है। उत्तम के पास एक्टिव फेज्ड एरे है जो कि इसे सुपीरियर बनाती है दशकों से चले आ रहे हैं पैसिव फेज एरे सिस्टम से। वैसे तो उत्तम के पास बहुत सारी खूबियां हैं लेकिन उन सभी खूबियों में एक जो मेजर खूबी है वो है कि कॉड TRM टेक्नोलॉजी। तो जानते हैं कॉड TRM है क्या। कॉड मतलब चार और TRM मतलब ट्रांसमिट एंड रिसीव मॉड्यूल। तो इसके एक स्लैक में चार TRM होते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कंप्यूटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर्स में कॉड कोर प्रोसेसर्स होते हैं तो वो किसी भी CPU को हेल्प करते हैं उसकी प्रोसेसिंग एबिलिटी है उसको ऑप्टिमाइज करने में उसकी हेल्प करते हैं। मतलब जितने ज़्यादा कोर होते हैं तो वो CPU उतने ज़्यादा टास्क को बैकग्राउंड में रन कर सकता है, अपनी प्रोसेसिंग को बढ़ा सकता है। ठीक उसी तरह उत्तम ईसा रडार कॉड TRM यूज करता है, चार ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल एक स्लैक में यूज करता है। इसका मतलब ये है कि उत्तम ईसा रडार एक टाइम पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्कैन कर सकता है और ट्रैक कर सकता है। और आपको बता दूं जो उत्तम ईसा रडार 2015 के एरो इंडिया शो के दौरान शोकेस किया गया था उसमें तकरीबन 184 QTRM दिए गए थे जिसका मतलब ये है एक QTRM में चार TRM होते हैं। तो उस समय के दिए गए 184 QTRM में तकरीबन 736 TRM थे। तो बेसिकली TRM किसी भी रडार को उसके मेंटेनेंस में जो टाइम लगता है उसे सेव करता है और QTRM किसी भी रडार के साइज को छोटा या बड़ा करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। वैसे तो बेसिकली किसी भी रडार का साइज उसके एंटीना पे डिपेंड करता है लेकिन QTRM टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अहमियत रखता है किसी भी रडार के छोटा बड़ा करने में। तो अब उत्तम में QTRM टेक्नोलॉजी आ जाने से अब ये रडार तकरीबन 100 टारगेट्स को एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रैक कर पाएगा और उनमें से 6 टारगेट्स को ARH मिसाइल के थ्रू मार गिराने के लिए सिग्नल्स भेज पाएगा। वहीं अगर आप इसे कंपेयर करते हो इजरायली एल्टा ELM 2052 से तो जो कि सिर्फ 64 टारगेट ट्रैक करता है साइमल्टेनियसली और उनमें से सिर्फ 2 टारगेट को मारने में कैपेबल है वो भी अपने TSW मोड में। जब 2015 में उत्तम को तेजस पे लगा के रियल टाइम में टेस्ट किया गया था तो इसने एक ऑब्जेक्ट को जिसकी RCS वैल्यू 2 m² थी और वो ऑब्जेक्ट तकरीबन 92 km दूर था उसको उत्तम ने ट्रैक कर लिया था। लेकिन अब अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तम की जो रेंज है उसे इम्प्रूव करके
150 किलोमीटर तक कर दी गई है, जो कि आने वाले दिनों में इसके टेस्टिंग और ट्रायल के साथ और इम्प्रूव ही होगी। उत्तम पे ऑपरेशन के 16 मोड दिए गए हैं, जो कि हर सिचुएशन के साथ साथ कोई ना कोई मोड सेट किया गया है, और जिसकी वजह से पायलट की और एयरक्राफ्ट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो बढ़ जाती है, और पायलट के पास कॉम्बैट करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अभी फिलहाल उत्तम में गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मॉड्यूल को और एडवांस और इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि वो आने वाले दिनों में इंडिया के फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पे इम्प्लीमेंट हो सके। वैसे तो उत्तम को तेजस MK-1 पे लगना था, लेकिन इसके डेवलपमेंट में डिले और इसका जो वेट है, फिलहाल अभी उत्तम 120 किलोग्राम का है, जो कि 40 किलोग्राम ज़्यादा है इजराइल के एल्टा के कंपैरिजन में, इसलिए इसे MK-1 पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन LRDE के चीफ का मानना है कि आने वाले दिनों में इसको तेजस MK-1A पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके वेट पे काम किया जाएगा। लेकिन जो अभी इसका जो करंट वेट है वो एक मीडियम कैटेगरी एयरक्राफ्ट तेजस MK-2 के लिए सही है, उस पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन MK-1 के लिए वेट का रिड्यूस होना जरूरी है। और LRDE के चीफ ने यह भी बताया कि हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK के लिए उत्तम के एक एडवांस वेरिएंट पे काम कर रहे हैं, जो कि एक फिफ्थ जनरेशन का रडार होगा, और उस फिफ्थ जनरेशन रडार का डेवलपमेंट हम 2023 तक कंप्लीट कर लेंगे और वो MK पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा। लेकिन जहाँ तक सेकेंड वेरिएंट की बात है, जो कि तेजस Mk-2 पे इम्प्लीमेंट होगा, उसका डेवलपमेंट हम 2021 तक कंप्लीट कर लेंगे और वो तेजस Mk-2 पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो आज के इस डिफेंस डिस्कशन 101 एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, गिव अस अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।